बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं जी। तो मौसम तो बड़ा ही अच्छा हुआ है कराची का और बहुत मज़ा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब अपने अपने घरों में फैमिलीज के साथ। आज हम बहुत ही ईजी अंडे वाला बर्गर बनाएंगे। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो हम इसके कबाब बनाएंगे, जो चने के दाल आलू के जो आपको बाजार में मिलते हैं सेम उसी तरह से हम बनाएंगे और आप बनाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ। चलें, जो जो हमें सामान चाहिए, घोल वाले बन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कितने आपको बनाने हैं। मैंने 6 बन लिए हैं बड़े वाले, 6 अंडे लिए हैं, केचप, मायोनीज, ग्रीन सॉस, चाट मसाला, मसालों में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, हसबे जायका नमक, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कूटी हुई मिर्चें भी आप लीजिएगा 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर लेना है, अगर अदरक का पाउडर नहीं है तो आप अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं, अजवाइन लेनी है और काली मिर्चें लेनी है, आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिएगा, काली मिर्चें 1 चम्मच ले लीजिए। चने की दाल के कबाब के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 कप चने की दाल ली है, उसको मैंने 1 घंटा सोख करके रख लिया है और अब पानी निकाल के ये आपके सामने है। 2 आलू लेने हैं। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो हम सब दें जी। तो सबसे पहले हम चने की दाल डाल रहे हैं। चने की दाल डालने के बाद देखने, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था मैंने, अच्छे से धो ली थी चने की दाल, फूल गई है चने की दाल थोड़ी सी। अब 2 आलू डालेंगे हम और इसमें हम इतना पानी डालेंगे, 4 से 5 हमें इसमें पानी के ग्लास डालने हैं ताकि वो अच्छे से भीग जाए, तो फिर बॉईल अच्छे से होगा और जो इसके ऊपर वाइट कलर का आता रहता है आप उसको निकाल लीजिएगा, 2-3 दफ़ा में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी दाल हमारी। जब झाग निकल जाएगा उसके बाद मैं मसाला शामिल करूंगी ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो। अब आप इसको रख दीजिएगा, 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा ये, कैप करके रख दीजिएगा आराम से इसको। कैप हम हटा रहे हैं, देख लें आप, हमने 1 ही दफ़ा मेजरमेंट अच्छा पानी डाला था, 2 दफ़ा मैंने इसके ऊपर वाइट वाइट जो आदत है झाग से वो निकाले हैं। अब देख लें कितने अच्छे से ड्राई हो गया, इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी नीचे है आप देख सकते हैं। अब हमें इसके अंदर सारे मसाले शामिल करने हैं, ये हमने करे मसाले शामिल इसके अंदर। मसाले शामिल करने के पहले मैंने इसलिए शामिल नहीं किए थे ताकि हमारा मसाला वेस्ट ना हो, सारा मसाला अच्छे से दाल के और आलू के अंदर ही फ्लेवर आए उसका, ये ना हो कि हम झाग निकालें तो वो उसके साथ साथ उसका जायका निकल जाए। ये देखें, अब हम इसको 10 मिनट चूल्हे पे रखे रहेंगे और ये मसाले के साथ ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। देखें इस तरह से कुछ हमारे पास होगा। ये ड्राई होने के बाद हमें इसको, जिससे हम आलू मैश करते हैं उसकी मदद से, क्योंकि बहुत हद तक गल चुके होंगे, मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे जी। तो अब हमने इसको एक बोल में शिफ्ट करना है जिसमें ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, ताकि जब हम इसके कबाब बना सकें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इसको हम इस बोल में शिफ्ट कर देंगे और ये आप बना के रख सकते हैं स्टोर करके, बहुत ही ईजी कबाब देंगे ये और बहुत टेस्टी बर्गर बनते हैं इससे। अंडे वाला बर्गर बहुत ही टेस्टी बनता है इससे, और आप बनाएं अपनी फैमिली के साथ इस मौसम में, एंजॉय करें चाय के साथ, बड़ा ही मज़ा आएगा जी। तो अब ये देखें, अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा वरना ये बनेगा नहीं आपके हाथ से। अब हम इसके बना रहे हैं कबाब। पहले मैं आपको एक छोटा कबाब बना के दिखाऊंगी, इसको आप आराम से रख सकते हो बना के, और एक मैं बड़ा बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतने इतने से कबाब बना लो, इतना बड़ा बर्गर होता है। अब जब आपके हाथ में है तो आप उसी हिसाब का बनाओ जितने बर्गर हैं, ताकि आप वो फैला के, दबा दबा के फैलाने की ज़रूरत ना पड़े उसको। ये देखें इस तरह से हमें एक छोटा कबाब बनाना है, और आप ये थोड़ा गरम गरम में बनाएंगे तो सही बनेगा जी। तो ये हो गए हमारे कबाब तैयार। ये जो ये वाले हैं ये मैंने बड़े बर्गर के लिए बनाए हैं, जो हम अंडे वाला बर्गर बनाएंगे, और ये वाले आप 1 हफ्ते से 7 दिन 8 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं आराम से, इसी तरह से करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा के या
पेपर लगा के इसको डिफ्रीजर कर सकते हैं आप। अब हम कटिंग कर रहे हैं अपने बन की। बन आपने देखें बड़े वाले लेने हैं क्योंकि ये बिग अंडे वाला बर्गर है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे सबकी। ये रख देंगे अब हम इसको साइड पे। 6 अंडे लेंगे हम, उसको हम फेंट लेंगे। तो आपके घर में कोई पार्टी है बच्चों की या कुछ भी, आप इसको बना के रख सकते हैं और देन नेक्स्ट रिजर्व कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे कबाब को, अंडे के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। एक अंडा मैंने अलग से फेंट लिया है, उसके साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और डीप फ्राई नहीं करना, हमें इसको शैलो फ्राई करना है क्योंकि अंडे वाला जो बर्गर होता है वो शैलो फ्राई होता है, डीप फ्राई नहीं होता। और इसके जो कबाब हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कोई बादीपन भी नहीं होता इसमें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, मुझे बताइएगा कि कैसे बने आप लोगों के बर्गर, अंडे वाला बर्गर किस तरह से बना आप लोगों का, कितना आपने इंजॉय किया अंडे वाला बर्गर। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से ये सब फ्राई हो रहे हैं। और आप लोग बताएं आप लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं ये मौसम, क्योंकि हम कराची वालों को तो बहुत ही कम नसीब होता है ये मौसम जी। तो इसी के पैन में मैं, क्योंकि इसमें जगह है इसलिए मैं इसी में कर रही हूँ, इसी में मैं सेकंड साइड पे बन अपने सेक रही हूँ ताकि वो भी हम सेक के रखते रहें। अगर आपको, आप पहले इसको सेक के रख लीजिएगा, मैं हाथ के हाथ सेक के रख रही हूँ इसे ताकि ये अच्छे से सिक जाए सारे। अब मैं इस तरह से इसको सेक लूँगी। तो दूसरी तरफ हम अपने कबाब देखते रहेंगे और एक तरफ बन देखते रहेंगे। और देखें ये वाला कलर होना चाहिए, बन का बहुत ही अच्छा सिकता है ये। अब एक तरफ हम पैन साफ करके और अब हम अंडा फ्राई करेंगे। इसका अलग अलग अंडा नहीं फ्राई करूँगी मैं, इसका एक साथ रोटी बनाऊँगी, पैन जितनी रोटी बनाऊँगी। और फिर हम उसके अंडे की कटिंग करेंगे। वैसे आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से भी कि पूरा अंडे फैला के और उसके बीच में कबाब रख के सेंटर में और फिर आप अंडा फोल्ड कर दो, उस तरह से भी आप कर सकते हो, जिस तरह आपको इजी लगे। खाना तो है मज़ेदार अंडे वाला बर्गर, बस जिस तरह भी मिल जाए हमें जल्दी जल्दी से। तो बस जल्दी जल्दी से अब हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। पहले मैंने आधा डाला था ताकि वो आधा पक जाए, वरना वो इधर उधर होता रहता है इस पैन में, ठीक है। अब मैंने आधा और डाल दिया है, अब ये मज़ेदार सी अच्छी सी रोटी बन जाएगी अंडे की। ज़बरदस्त सी रोटी तैयार है अंडे की। देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, स्पून की ही मदद से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। और इस तरह से मैं इसके, देखें आप इसके सेंटर में कबाब रख के और उसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके पीसेस करके इसके ऊपर रखूँगी क्योंकि मैंने कबाब उस साइज़ के बनाए, बर्गर के साइज़ के, तो वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी मेरी, इस वजह से मैं ऊपर से रखूँगी अंडा जी। तो मैंने रोटी अंडे का साइड चेंज कर लिया है और देखें सारे आहिस्ता आहिस्ता साइड चेंज कर रही हूँ अंडे के ताकि ये अच्छे से आगे पीछे से सिक जाए। अच्छा, जो बाहर वाले अंडे, मतलब जो अंडे वाले बर्गर जो बाहर बनाते हैं वो गोल गोल बनाते हैं, मैंने वो गोल गोल नहीं बनाए। चॉइस पे आपके, आप घर में बना रहे हो आप थोड़ी जी। तो अंडा इट्स डन, अब हम कबाब देख लेते हैं। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, अच्छे से सिक गए हैं, अंडा भी रेडी हो गया है, हमने इसको एक जगह कर दिया। अब हम अपने बन चेक करते हैं, देखें ये सब बन मैंने सेक के रख लिए हैं अच्छे से। अब हम सबसे पहले इसमें मायोनीज डालेंगे, अगर आप नहीं खाते तो आप मत डालें, लेकिन हरी चटनी भी डालते हैं लोग, मैं मायोनीज डाल रही हूँ, हरी चटनी भी डालेंगे हम। ये हमने डाला मायोनीज इसके अंदर, मायोनीज डालने के बाद हमने इसको फैला लेना है अच्छे से। ऊपर वाले जो बन रखे हुए हैं वो ऊपर कैप करने वाले हैं, उस पर भी मैंने मायोनीज लगाया है। आप बटर से भी इसको सेक सकते हैं, जब आप सेक रहे हो उसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये मैंने डाला ग्रीन सॉस,
मज़ेदार सा ग्रीन सॉस, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। ये हमने रखी है अपनी पैटी, और ये देखें साइज़ देख लें आप, कोई इसको दबा दबा के आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मज़े का साइज़ है और मज़ा आएगा खाने में। ये नहीं आधा खाली और आधा भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर में बनाने का यही फ़ायदा है। इसके अंदर मैंने टमाटर रख दिए हैं, टमाटर के अलावा आप इसमें खीरा रख सकते हैं, और जो सलाद बनती है इसकी मायोनीज़ के साथ वो आप रख सकते हैं। मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरा भाई बहुत नखरे करता है तो उसको नहीं पसंद, और हम बाहर से भी मंगाते हैं तो हम प्याज और वो स्किप करवा देते हैं कि भाई वो मत डालना। ये मैंने रेड सॉस डाला है इसके ऊपर, रेड सॉस डालने के बाद मैंने इसके अंदर अंडा डाला है। देखिए अंडा भी ऐसा नहीं है कि कहीं से टूटा हुआ हो, कहीं से नहीं, पूरा आ रहा है इसमें, तो हम डबल डालेंगे क्योंकि ये अंडे वाला बर्गर है, मज़े का लगना चाहिए। इसके ऊपर हमने डाला चाट मसाला, और इसी तरह से बाकी मैं तैयार करूँगी अंडे वाले बर्गर, केचप सबसे लास्ट में, मज़ेदार सा जी। तो देखिए आप कितने मज़े का, इसके ऊपर भी मैंने ग्रीन सॉस डाला है क्योंकि जितना सॉस होता है ना उतना ही मज़े का आता है ये, और जब वो टपक रहा होता है ना, गिर रहा होता है, ओफ यमी लग रहा होता है। वो देखिए आप इसको कितना ज़बरदस्त लग रहा है, काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती, खैर मैं खुद ही आपको बता दूंगी कि ये बहुत ही मज़े का बना है अंडे वाला बर्गर। तो ये देखें उफ कितना यमी लग रहा है, ये बहुत मज़े का बना है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी अंडे वाले बर्गर की, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर की बात घर की होती है, मतलब आप बाहर से जितना ही इंजॉय कर लो खा लो, लेकिन जब आप ख़ुद बनाते हो और फिर फैमिली के साथ इंजॉय करते हो तो उसकी बात ही अलग होती है, मज़ा आता है। और ये मौसम बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त मौसम में ज़बरदस्त अंडे वाले बर्गर बनाएं, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।